अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे, ठाक होंगे। और वेलकम बैक टू द शो, इट्स टेकी शेकी फ्राइडे। तो आज का रिव्यू जो है वो बड़ा ज़बरदस्त साबित होने वाला है कैमरा लवर्स के लिए, DSLR लवर्स के लिए। तो आज हमने एक कैमरा फाइंड किया है जो बेसिकली जो है बिगनर्स के लिए बड़ा अच्छा साबित होने वाला है उनकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए। जी हाँ, तो हम बात कर रहे हैं निकॉन D5200 की। बड़ी ही अट्रैक्टिव प्राइस पे है और कैमरा रिजल्ट्स भी बेहतर हैं, आगे हम रिव्यू में डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं ये भी उसी से शूट की जा रही है। तो चलिए रिव्यू की जानिब चलते हैं। तो हम इस वक्त जो है एक आउटडोर लोकेशन पे आ गए हैं इसको टेस्ट आउट करने के लिए, निकॉन D5200 को। तो सबसे पहले जो है इसकी हम बात करेंगे सेंसर की। तो इसका जो सेंसर है वो 24 मेगापिक्सल का है और इसमें जो है 39 फोकस पॉइंट्स हैं, डिजिटल फोकस पॉइंट जो है वो 39 है। अदर देन ये जो है कंटिन्यूस शॉट जो है वो 5 FPS तक करता है। इसका जो ISO है वो तकरीबन जाता है 100 से लेके 6400 तक। तो काफ़ी बेहतर डिवाइस फील हो रही है अभी के लिए। कुछ इसके जो है फोटोग्राफी के साथ करते हैं और उसके बाद वीडियो के टेस्ट शॉट लेंगे। तो आइए चेक करते हैं। हमारे पास ऐसे जैसे इधर जो है कोई एक्टर या बंदा मौजूद नहीं है जिसके लिए साथ हम फोटोग्राफी कर सकें। तो मैं देखता हूँ, मैं आतिफ बिहाइंड द सीन जो सारा कैमरा मैनेज कर रहे हैं, तो हम जो है इनकी पिक्चर लेंगे। लेकिन एक बड़ी ज़बरदस्त पिक्चर हाथ आई है। सॉरी टू इंटरप्ट, एक असल में वो छोटा प्लेन जा रहा था, क्या कहते हैं उस प्लेन को यार, तो मैंने सोचा कि उसकी 2-4 पिक्चर क्लिक करें। फोकस है वो कुछ इस लेंस की लिमिटेशन है, ये उतना अच्छा लेंस नहीं मुझे लगा फोकस के लिहाज से और ना ही कैमरा उस लिहाज से फोकस कर पा रहा है। वैसे तो मैं मैनुअल फोकस ही यूज कर रहा हूँ। चलें कुछ और शॉट्स वगैरह लेते हैं। अब जो है फोटोग्राफी के कुछ हमने सैंपल ले लिए हैं, अब हम ट्राई करते हैं थोड़ी सी वीडियोग्राफी इसके साथ करके और फिर देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करता है। आइए। डे टाइम में ये जो है बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है और नाइट के कुछ शॉट में आपको दिखा दूंगा। तो बाकी ये कैबी के लिए ये
काफ़ी एक नॉर्मल बजट में बड़ा ज़बरदस्त। चलें अब नाइट शॉट्स की तरफ चलते हैं और नाइट का थोड़ा वीडियो देख लें और उसके बाद वापस आएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ हुसैन और आज हम लोग D5200 कैमरा की लो लाइट टेस्टिंग कर रहे हैं। और जैसे कि आज शूट कर रहे हैं डॉक्टर मून साहब, तो हम लोगों ने आज D5200 कैमरा की लो लाइट टेस्टिंग करने के लिए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट बनाया, जिसके लिए हम लोगों ने की लाइट यूज़ की है और एक बैकलाइट यूज़ की है। देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका रिजल्ट शो हो रहा है एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। तो चलते हैं मेन रिव्यू की तरफ। जी हाँ, तो फाइनल इसके रिमार्क्स ये है कि ये एक लो बजट में बड़ा अच्छा कैमरा है और आपके लिए बड़ा अच्छा साबित हो सकता है अगर आप बिगनर हैं और अपने स्टार्ट में या एक शौक या तौर पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करना चाहते हैं या एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं और एक नॉर्मल बजट कैमरा आप ढूंढ रहे हैं, तो ये उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त है। और काफ़ी सारे इसमें अच्छे फीचर्स भी हैं, जिनमें एक ज़बरदस्त फीचर जो है वो इसकी रोटेटेबल जो है ये LCD लगी मुझे। अदर देन इसमें ना एक छोटा सा मुझे प्रॉब्लम फील हुआ है, अब आई डोंट नो कि वो मुझे लगा है या ये रियल में है, उसमें ये है कि इसका लेंस इतना ज़बरदस्त नहीं है फोकस के लिहाज से और इसका अपना भी ऑटो फोकस इतना अच्छा नहीं लगा, तो ये थोड़ा सा कॉन है। लेकिन अगर आप मैनुअल पे काम करें तो काफ़ी हद तक ये जो है अच्छे से अपना काम करते हैं। तो आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही और फिर किसी एपिसोड में मुलाकात होगी किसी और नई डिवाइस के साथ। और अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।